अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू पकौड़ा। तो बेसन 1 कप, राइस, नमक, सोडा, हल्दी, इसको अच्छे से मिलाकर पानी डाल के अच्छे से घोल बनाएंगे। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गट। ये देखिए पानी डाल के इसको अच्छे से मिले। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, रशीदा बानो ट्रिपल एस। कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। अब ये देखिए पैन में 3 चम्मच मैंने स्पून तेल डाला है, राई और ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी। ये देखिए हींग भी आप चाहे तो डालिए तो नहीं। अदरक लहसुन और हरे मिर्च का पेस्ट, इसको भी थोड़ा सा भुनेंगे। आप प्याज डालेंगे, इसको भी थोड़े से अच्छे से लाल करेंगे। ये देखिए 5 मिनट तक इसको मैंने अच्छे से पकाया। अब इसमें नमक, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला डाल के इसको मिक्स करेंगे। अब मैंने बॉयल करके आलू को मैश करा था, तो इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। देखिए नमक कप जितना चाहिए आपके स्वाद अनुसार डाल लीजिए। ये देखिए रेडी हो चुका है। अब इसका हम राउंड शेप बना के लड्डू जैसा मीडियम बनाएंगे। ये देखिए रेडी हो गया। अब जो सा हमने बेसन का जो बनाया था ना, ये देखिए इसमें ऐसा स्पून में लेकर डिप करके धीरे से स्मूथ ऐसे छोड़िए। ये देखिए हमारे पकौड़ा कितने अच्छे से पक रहे हैं। दो तरफ से अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए रेडी हो गए ना। तो चलिए बाकी के भी हम अच्छे से इसको बना लेंगे। यार रेडी हो गया है। अब मैं इसमें तड़का डालूँगी। ये देखिए 5-6 हरी मिर्च, इसको मैंने उसी तेल में थोड़ा सा फ्रेश कर लिया, फ्राई करके अब इसमें से मैं डालूँगी। इसे भी उसे चख कर बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मैं अब इसको ओपन करके दिखाऊँगी। ये देखिए कितना टेस्ट है ना। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।